माताओं को क्या मिलना चाहिए? छत्तीसगढ़ में महीना 1000 रुपया, असम में 1250 रुपया महीना, लेकिन उड़ीसा में हम लोग क्या बोल रहा हूं कि भाई जो हो गया हो गया, अभी हम माताओं को 50,000 रुपया देगा एक साथ, दो बार में आप लोग उद्रा कीजिए, एक बार 25,000, तार पौरे साले 25,000 टाका। नवीन बाबू की दे रकम किसु, ए रकम किसु दे होए, फ्री साउल तो मोदी जी देता है, नवीन बाबू क्या देते हैं? नवीन बाबू जो भी देना है खाली पंडियान को देता है और किसी को नहीं देते है। अपना जो प्यार मोहब्बत है वो उड़ीसा का लोगों को नहीं देता है, वो खाली पंडियान को ही देते हैं। हमारा यहाँ वृद्ध पेंशन कितना है, विधवा पेंशन कितना है? 500 रुपया। अभी बीजेपी आने से कितना देने जा रहा हूं, आइए, बीजेपी आने से कितना रुपया देगा? 3,000। आप देखो, मैं भी बोल सकता था 3,000, लेकिन मैंने मांझी जी से इसलिए बुलाया कि तब जाके मांझी जी मोदी जी को बोलेगा कि ये मोदी का गारंटी है, डबल इंजन सरकार बनने वाला है, आप ये काम भी हमें करके ही देना है। डबल इंजन सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? डबल इंजन सरकार चाहिए हमें। आप देखिए, उड़ीसा में सरकारी नौकरी में युवाओं को नौकरी नहीं मिलता है, क्वेश्चन पेपर भी लीक हो जाता है, जाते कि नहीं जाते हैं? हमारा बीजेपी सरकार बोल रहा है अगर हमारा सरकार बनेगा तो हम 3,00,000 युवाओं को नौकरी देने जा रहा हूं। जो भी मोदी का गारंटी होता है, दिल्ली में हो, यूपी में हो, उड़ीसा में हो, असम में हो, जो भी मोदी जी का गारंटी होगा वो 100% पक्का होगा। इसीलिए देश मोदी का गारंटी को विश्वास करता है। लोगों को दो वादा करके जाता हूं, मैं छोटा प्रदेश का सीएम हूं, लेकिन फिर भी मैं सबका साथ बात करते रहता हूं। इलेक्शन का बाद मैं आप लोगों को बंगाली टी शर्ट दिलवा दूंगा और साथ में आप लोगों को मैं रेवेन्यू विलेज दिलवा दूंगा। ये मोदी गारंटी का साथ साथ मेरा भी छोटा कमिटमेंट आप लोगों का साथ रहेगा। এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত উৰিষাৰ বিজেপিয়ে 18-20খন পৰ্যন্ত আসন লাভ কৰিব। একেদৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনতো 75খনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব বিজেপিয়ে। দাবী এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 4 জনৰ ফলাফলৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শপত লোৱাৰ পিছতে উৰিষাৰ বিজেপি চৰকাৰে ল'ব শপত। 4 জুন কা বাদ পেহলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী জী কা ওধ হ'গা, উস্কা বাদ बीजेपी का सरकार का वोट होगा उड़ीसा में 10 जून हम लोग सब आने वाला है। जनता क्या बोल रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति ही क्या जनता है? आप उड़ीसा का 4 करोड़ लोगों का आवाज सुनेगा कि एक व्यक्ति का आवाज सुनेगा, यही आपको डिसाइड करना है। यहाँ में जो हम लोग का अपना माहौल है 18-20, विधानसभा में तो अच्छा हो जाएगा, सरकार बन जाएगा, लेकिन विधानसभा में 150 में 100 मिलेगा, 120 मिलेगा, ये मेरे एकदम एक ही दिन में बोलना संभव नहीं है, लेकिन 75 से ऊपर। देखिए, मेरा ये कॉन्स्टेंट स्टैंड है। लास्ट टाइम 3 महीना पहले मैं उड़ीसा आया, भुवनेश्वर आया, तब भी मैंने यही बोल के गया। तब आप लोग बोला था अलायंस होगा क्या, तब मैंने बोला मैं बीजेपी का सरकार का शपथ ग्रहण में आ रहा हूँ। वही दिन मैं आप लोगों को बोल के गया था कि कोई अलायंस होने वाला नहीं है, हम लोग लड़ने वाला है। देखिए, ये कांग्रेस का कल्चर बन चुका है भारतीय लोगों का खिलाफ, हमारे खिलाफ बोलने का, तो ये पार्टी अभी मेरा लगता है इस बार खत्म ही हो जाएगा, बसेगा नहीं, कुछ भी नहीं बसेगा। यार पिछते उड़ीसार खालीकोटेत द्वितीयखन प्रचार सभात अंश लय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्माय। এইবাৰ নিৰ্বাচনত পূৰ্বোত্তৰৰ ৰাজ্যসমূহে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সৰ্বাধিক অৰিহণা যোগাব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণত স্থান পায় ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰসংগ।
सब लोग मुझको बोल रहा है कि इस बार पूर्व भारत से ही सबसे ज्यादा सीट मोदी जी को मिलने वाला है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, ये स्टेट मिलके मोदी जी को बहुत बड़ा भव्य विजय देने वाला है। ये सारे लोग आज भारत में बोल रहा है। मैं गुवाहाटी में था, लोग बोल रहे हैं कि इस बार उड़ीसा में 18 से 20 सीट बीजेपी जीतने वाला है। तो मैंने असम में चुनाव सभा में बोला कि अगले एक साल में मैं 1,00,000 लोगों को राम मंदिर में लेके जाऊंगा दिखाने के लिए, राम मंदिर का दर्शन के लिए। मेरा मानना है उड़ीसा में जो बीजेपी का सरकार बनेगा, हम लोग कम से कम उड़ीसा से 5,00,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राम मंदिर देखने ले जाना चाहिए कि नहीं मालूम। पहले जब भी चुनाव होते थे, ये कांग्रेस पार्टी हम लोग को पूछते थे, भाई बताओ राम मंदिर का कब उद्घाटन होगा, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब होगा। किसी लिए उनको मालूम है प्राण प्रतिष्ठा हो गया और अभी मोदी जी का हाथ से आगे जाके हमारा मथुरा भी मुंह धोने वाला है और काशी में ज्ञान वापी में भी मंदिर बनने वाला है, ये सबको मालूम हो गया। तो इसीलिए कांग्रेस अभी पूछते नहीं है।